पानीपत पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है। शराब पीने की उम्र घटाने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि इस सरकार में माइनिंग माफिया और शराब माफिया का राज चल रहा है। कुलदीप विश्नोई द्वारा सीएम के सपने देखने के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, सपने कोई भी देख सकता है। नौकरियों में भी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान करवाए गए कामों की गाथा भी गाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने पिछले 7 साल में कोई भी काम नहीं किया है। नगर निगमों में ही नहीं, पूरे हरियाणा में तीन सी हैं, चल रही हैं। हरियाणा का आज 7 साल के बाद देखोगे, खासतौर पे पिछले 2.5 साल में जब से बीजेपी जेजेपी आ रही है, 3 सी चल रही हैं, कर्जा, करप्शन, क्राइम। हम रहीम को जो फरलो दी गई है उसके बाद जेट सिक्योरिटी दी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बीजेपी ने इलेक्शन के लिए किया है ये सारा, सारी आप लोग छाप चुके हैं। बाकी जहां तक फरलो का सवाल है, फरलो तो एक कैदी का अधिकार होता है, वो किसी का भी जी पहले रोका क्यों? एक कैदी का अधिकार होता है, इतने साल की जेल काट ले तो इतना फरलो मिल सकता है। करोल नहीं है फरलो, अलग चीज है करोड़ों का। बाकी सिक्योरिटी देना, एसेस करना, वो सरकार का काम है, लेकिन ये मामला कोर्ट में है, सब ज्यूडिश है, उसके बारे में ज्यादा मुझे तो ये। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब सबसे बड़ा एक धोखा हरियाणा के जो मूलभूत हरियाणा के वासी हैं, खास तौर पे जो दलित हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनकी रिजर्वेशन है नौकरियों में हरियाणा में, तो हरियाणा के डोमिसाइल ये जो एक अंडर द कार्ड की 75% हरियाणा देंगे, उस न्यू में डोमिसाइल जो है 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया। इसका मतलब क्या है, किसको ये इफेक्ट करेगा? जो मूलभूत हरियाणा निवासी हैं, खासतौर पर शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका तो नौकरी में कंपटीशन हो जाएगा। नौकरी की बात छोड़ो, भाई कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है उनका, उसमें वंचित हो जाएंगे। तो मैंने कहा है कि भाई ये हमने कल भी कहा है और विधानसभा में उठाएंगे कि जो मूलभूत हरियाणावासी हैं उनके अधिकारों पर कुठाराघात हम नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से पहचान पत्र बताया, मैंने बताया आपको, तो और बहुत सारे मुद्दे हैं ये जो उठाए थे हमने। जो डेवलपमेंट टैक्स 5% कर दिया था, वो तो इन्होंने वापस ले लिया, जबकि बजट की इंतजार थी, बजट सेशन डिक्लेयर किया हुआ था, 2 तारीख से बजट सेशन है और वो 2-5 दिन पहले ये डेवलपमेंट टैक्स लगा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो है सरकार जो है, मैंने कहा ना अंधेरे में भी चौपट राजा कर रखा है कि भाई ये 75% हरियाणा, जैसे मान लो HSIDC में, उसमें भी हमने कहा था, लेकिन दो मिसाइल 15 साल से 5 साल करने का मतलब क्या है? किसी भी प्रदेश में 5 साल का डोमिसाइल कहीं नहीं है, मतलब रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल हम कहते हैं उसको। हरियाणा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो डोम बना रखी है कंडीशन सारी स्टेटों में, तो मूल प्रदेशवासी अब मेरे को वो नहीं है, सब ये देश एक है, कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें मूलभूत जो है प्रदेशवासियों का अधिकार होता है उसके लिए सर्टिफिकेट रेजिडेंस है, उसके ऊपर भी कुठारा बात करने जा रहे हैं। बातचीत चल रही है, एनरोलमेंट चल रही है, 31 मार्च लास्ट डेट है, सब चुनाव होगा, जिला अध्यक्ष का भी होगा, ब्लॉक के अध्यक्ष का भी होगा, प्रदेश अध्यक्ष का भी होगा, और अखिल भारतीय का भी होगा, सब चुनाव की प्रक्रिया चली हुई है।
कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनेगी, उत्तराखंड में बनेगी और गोवा में बनेगी और उत्तर प्रदेश मणिपुर का मेरे को पता नहीं, वहां से मेरे को लेकिन बताते हैं वहां भी अच्छी परिषद है। और उत्तर प्रदेश में जो हमारा था आधार उसमें काफी हमारे को हो सकता है। और इस स्थिति में कांग्रेस पहुंचेगी कि कांग्रेस के पास बैलेंस आ सकता है।